सिचुएशन में। आज मैं आपको जो ब्लाउज बताने जा रही हूँ उसे पीछे से नॉट करके पहना जाता है। कई सेलिब्रिटी को भी आपने ये पहने हुए देखा होगा, तो आज हम इसी ब्लाउज को बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लू कपड़ा है वो लिया है 1.25 मीटर, और ये साड़ी का पना है इसमें, और यहाँ अस्तर मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरी साइड फोल्डेड साइड है, और यहाँ से हम निकालेंगे अपना फ्रंट का पीस, क्योंकि ये बैक ओपन ब्लाउज है। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई मैं ले रही हूँ 15 इंच, क्योंकि मुझे 14 इंच रेडी चाहिए, और शोल्डर यहाँ पर लिए हैं मैंने 6 इंच। इसके बाद आर्म होल भी मैं यहाँ से ले रही हूँ 6 इंच, और यहाँ ब्लाउज बना रही हूँ मैं 36 चेस्ट के हिसाब से, तो 9 इंच हम इसका फोर्थ पार्ट लेंगे, और इसमें 2 इंच मैंने ऐड किया है मार्जिन के लिए, यानी टोटल यहाँ पर हो गया है 11 इंच, और 11 इंच ही मैं यहाँ नीचे कमर के लिए निशान लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ हम टक्स लगाएंगे तो वो उसमें मैनेज हो जाएगा। अब साइड के दोनों निशानों को आप मिला दें। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लेंगे, तो इसका 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को हम फ्रेंच कर्व से मिला देंगे, और फ्रंट की शेप भी लगा लेंगे साथ ही साथ। अब हम नेक के लिए ड्रॉ करेंगे, तो नेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच का, तो शोल्डर के लिए भी 3 इंच बचेगा, जो बनने के बाद 2 इंच का रह जाएगा। अब देखिए फ्रंट का नेक मैं लूँगी 3x3, यानी 3 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच चौड़ाई है, और यहाँ इसी तरह का स्क्वायर नेक ही हम बनाएंगे, जो पहनने पर बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अब देखिए जो फ्रंट पीस की मैंने मार्किंग की है, इसमें आप चाहें तो प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल सिंपल ब्लाउज बनाऊंगी सिर्फ टक्स लगा के, क्योंकि मेरा जो ये कपड़ा है ये थोड़ा सा हल्का है, मतलब इसमें हम अगर कट लगाएंगे तो ये चिस जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं टक्स के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। शोल्डर से आपको लेना है 10 इंच पर एक निशान, और फ्रंट की साइड से हमको लेना है 3.6, क्योंकि ये 36 चेस्ट के लिए है। अब ये इसका हो जाता है बस्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट के 1.5 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे, ये पहली टक्स है मेरी। चारों तरफ आपको गैप 1.5 इंच ही रखना है। तो देखिए ये नीचे का निशान लगाने के बाद हम साइड का निशान लेंगे, और इसके बाद हम एक टक्स लगाएंगे यहाँ पीछे की साइड के लिए, और इसका जो ये निशान है यहाँ से 2.5 या 3 इंच करीबन होना चाहिए। आर्म होल के लिए भी हम उतना ही गैप रखेंगे, और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें ये 4 टक्स लेंगे, और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही गजब की आती है, इसमें आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से अब इस पीस को मैं कट कर लेती हूँ। ध्यान रहे कि फ्रंट का आर्म होल अभी कट नहीं करना है। तो देखिए फ्रंट पीस कट हो चुका है। अब इस पीस को आपको बैक की साइड के लिए इस तरह से पलट कर रखना है, और सेम टू सेम कट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं, नेक कट अभी मैंने नहीं किया है, और फ्रंट के पीस में आप आर्म होल की भी कटिंग लगा लें अब। तो देखिए यहाँ पर जो टक्स हैं वो ये तीनों तो आपको लगानी है 1/2 इंच की, और सबसे नीचे की जो टक्स है वो हम लेंगे 1.5 इंच, यानी टोटल 1.5 इंच आपको कपड़ा इसमें दबाना है। तो यहाँ इस तरह से आप निशान लगा लें, जिससे हमारी टक्स जो है बिल्कुल सही नाप से लग जाएगी, और इसी निशान को हम कपड़े को पलट लेंगे तो दूसरी साइड भी ले लेंगे। अब हम इसे एक साइड रख देंगे, और बैक के कपड़े में गला बनाएंगे, जो इसका सबसे मेन काम है। तो देखिए नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। अब इसकी गहराई देखिए, गहराई यहाँ पर मैंने ली है पूरी 12 इंच। तो यहाँ 12 इंच पर आप एक निशान लगाएं, और इसे तिरछा इस तरह से लाइन बना लें। अब ये चूंकि एकदम तिरछा अजीब सा लगता है, तो इसे आप हल्का सा कर्व लगा लें। कर्व लगाने से क्या होगा, जब हम इसे पहनेंगे तो इसका जो शेप है वो तो वी आएगा, और ये थोड़ा खुला खुला भी लगेगा। अब देखिए नीचे जो ये 3 इंच का कपड़ा हमारे पास बचा है, इसमें से 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा, और 2 इंच बीच में बचेगा। तो अब हम इस नेक को कट कर लेते हैं। नेक कट करने के बाद शोल्डर को इस तरह से आप फोल्ड कीजिए, और बैक में जो टक्स हैं उसका निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है बैक में टक्स लगाने का। तो 5 इंच का यहाँ पर आपने निशान ले लिया। अब इस तरह से मेरे फ्रंट और बैक के दोनों पीस तैयार हैं। अब इसे हम अपने कपड़े पर रखेंगे, और मेन पीस भी कट कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पर मेन पीस भी कट हो गया है। अब हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें से हम दो स्ट्रिप कट करेंगे। तो सिंपल आपको स्ट्रेट पट्टी लेनी है। यहाँ पर मैंने 70-70 सेंटीमीटर की दो स्ट्रिप कट कर ली हैं और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। तो अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे आप इस तरह से डबल फोल्ड कीजिए और यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्क्वायर करेंगे। हमको बिल्कुल चौकोर कपड़ा निकालना है और दो स्लीव्स के लिए निकालना है, इसलिए हम इसे डबल करके फोल्ड करेंगे और यहाँ साइड से मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा बिल्कुल चौकोर कपड़ा निकल आया है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम अम्ब्रेला स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये मेरी चौड़ाई आई है पूरी 9 इंच। तो हमें चारों तरफ देखना है 9 इंच और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने चारों तरफ से इसे पिनअप कर दिया है और नीचे से इसे कट कर लिया है। अभी हम इसमें से आर्म होल कट नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही रखेंगे, इसीलिए मैंने इस कपड़े को पिनअप किया है। तो देखिए इस तरह से जो नॉट वाला ब्लाउज है उसकी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए अब हम सबसे पहले तैयार करेंगे अपना फ्रंट का पीस। तो ये देखिए नेक थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेती हूँ। तो जो हमने 3x3 का नेक कट किया था उसमें मैं गहराई ले लेती हूँ 4 इंच, यानी 1 इंच और नीचे मैंने यहाँ निशान लगाया और इसे कट कर लिया और इसे हल्का सा मैंने तिरछा लिया है। देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा। अब हम इसके दोनों साइड टक्स के निशान ले लेंगे। तो हम दोनों कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और नीचे से सिलाई करके इसे पलट लेंगे और चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम नेक पर पट्टी लगाकर या कैनवास लगाकर इसका नेक तैयार करेंगे और टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रंट का पीस कंप्लीट कर लिया है, मैंने टक्स लगा लिए हैं और जो गला है उस पर भी मैंने पट्टी फोल्ड करके अलग से लगाई हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कप लगा सकते हैं, मेरे पास कप नहीं थे इसलिए मैंने इसमें नहीं अटैच किए हैं। अब हम इसके बैक के पीस तैयार करेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस से हम दोनों कपड़े अपोजिट रखेंगे, नीचे से सिलाई लगाकर इसे पलटेंगे और चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट किया। अब हम एक कॉटन की पट्टी लेंगे अस्तर वाले कपड़े की और इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर आपको इसे अटैच करना है और हल्के हल्के कट लगा के पलट देना है। तो इस तरह से मैंने बैक के पीस तैयार कर लिए हैं। पीछे की जो टक्स थी वो भी मैंने लगा ली है। अभी हम यहाँ इस पट्टी की तुरपाई नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा सिर्फ ये नीचे का हिस्सा बचा है जो कि 2 इंच का है। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रिप अटैच करेंगे उसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसे आपको इस तरह डबल फोल्ड करना है और मैं हल्की सी यहाँ पर शेप लगा लेती हूँ क्योंकि जो नीचे की साइड पट्टी लटकती है वो थोड़ी शेप में होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। सिलाई करने के बाद आपको इसे पलट कर सीधी करनी है। तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इस पट्टी को अटैच करेंगे अपने बैक पीस में। तो देखिए जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे मैं नीचे की साइड रखूँगी और इस तरह से इन दोनों को रखो। इसके ऊपर आपको यहाँ अस्तर के कपड़े की 1 इंच की पट्टी लेनी है और उसे इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर हम इसे डबल सिलाई लगाएंगे और ऊपर और नीचे से हमें पट्टी फोल्ड करनी है, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी पट्टी ली है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारी जो स्ट्रिप थी वो अटैच हो गई है। ये जो पीछे की साइड है यहाँ आपको इस पट्टी को ऊपर और नीचे से तो फोल्ड करना है और यहाँ इस तरह से तुरपाई करनी है और इसके साथ ही हम पूरा जो नेक की पट्टी लगाई थी उसे भी साथ में तुरपाई कर लेंगे क्योंकि हम इस पूरे कपड़े की एक साथ तुरपाई करेंगे तो इसका जो शेप है पीछे का वो इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बैक के दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो जो फ्रंट का पीस तैयार था उसे इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमें इस ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो भी आपकी फिटिंग हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। आपका जो भी आर्महोल हो उसी नाप से हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे क्योंकि इसमें फिर आपको कोई गुंजाइश नहीं होगी उसे ढीला या टाइट करने के लिए।
तो देखिए ये मेरा कपड़ा था स्लीव्स का, जिसे मैंने पिनअप करके रखा था। अब हम अपना आर्म होल को इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जमाएंगे और उसे फोल्ड करेंगे। अब इस ब्लाउज के नाप को हम रखेंगे अपनी स्लीव्स पर, तो इस तरह से कॉर्नर पर हम रखेंगे और चौक से निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है और ये 100% सही है। तो इस तरह से आप निशान लगाएं। तो यहाँ देखिए मेरा एक साइड आया है 2.5, तो दूसरी साइड भी मैं 2.5 लगाऊंगी और इस तरह से एक कर्व लगा लूंगी, जिस तरह हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं सिंपल। या आप एक दूसरा तरीका है कि आर्म होल को नापें, जैसे मेरा यहाँ पर 16 इंच आर्म होल है और हम देखिए यहाँ पर इसे नाप लेते हैं, ये 4 इंच आया है, यानी इसका जब पूरा खुलेगा तो 16 का सर्कल बन जाएगा। यहाँ आप आर्म होल का नाप 2π से डिवाइड करके भी स्लीव्स में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी स्लीव्स भी कट हो चुकी है, अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज में। इसमें से मैंने एक स्लीव्स हटा दी है और यहाँ मैंने ब्लाउज और स्लीव्स इस तरह रखा। इसके ऊपर हम स्लीव्स को इस तरह रखेंगे और दोनों के जो सर्कल हैं उसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पहले इसे पिनअप कर लें उसके बाद सिलाई लगाएं, और साथ ही हम इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स इसी तरह से अटैच करनी है। मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है, साथ ही मैंने स्लीव्स की बॉटम भी फोल्ड कर ली है। देखिए यहाँ स्लीव्स का जो बॉटम है उसमें फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है, तो या तो आप इस पर पीको कर लें या फिर आप इसे फोल्ड करें। तो फोल्ड करने के लिए आप पहले इसे सिंगल फोल्ड करें और उसके बाद उसे डबल से फोल्ड करें। मैंने भी यहाँ इसी तरह से फोल्ड किया है, जिससे आपकी जो गोलाई है वहाँ पर सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। तो इस तरह से ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि नॉट वाला ब्लाउज बनता है। देखिए आगे से ये स्क्वायर नेक है और पीछे से ये इस तरह से आप इसे बांध कर अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे टाइट कर लें और ये इसका लुक आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर हमने जो ये छोटी छोटी पट्टियाँ लगाई थी, यहाँ पर हम इस तरह से 2 हाई यहाँ लगाएंगे और एक साइड 2 हुक लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने जो हाई लगाई है ये रेडीमेड वाली है, मेटल की, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पहनने के बाद कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसे देखिए इस तरह से हम अटैच करेंगे और ये अंदर की साइड ही अटैच हो जाएगी और स्ट्रिप बांधने के बाद बिल्कुल नहीं दिखेगी। और देखिए यहाँ कितनी भी आप इसे टाइट फिटिंग से पहन लें, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी स्ट्रिप की। और इसके बाद हम इसके ऊपर अपने स्ट्रिप बांध कर उसे नॉट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इस तरह से इसमें हुक लगाए हैं क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है सिर्फ नॉट के हिसाब से एक ब्लाउज को पहनना। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से लुक दिया है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आएगा। हालांकि ये ब्लाउज सिर्फ नॉट वाला ही बनता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ हुक लगा लें या आप सिंपल नॉट करके पहनें। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये ब्लाउज बनाने का तरीका पसंद आया होगा और यहाँ पर इस तरह आपका बैक में लुक आएगा। मुझे इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी ये वाले ब्लाउज के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसे पूरी करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप इस तरह के सिंपल स्लीव्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।